हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए प्रदेश में सरकार द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृहमंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त करना, लेकिन अधिकारी और विभागों की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। एक ऐसी ही तस्वीर अंबाला से सामने आई है जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। यहां सफाई के नाम पर सिर्फ लीपा पोती ही की जा रही है। जब हमारी टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहां स्वच्छ भारत की गंदी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई। यहां जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही। बावजूद इसके अधिकारियों का दावा है कि वो अभियान को सफल बनाएंगे, लेकिन आम लोग विभाग और अधिकारियों की कार्यशैली से निराश नजर आ रहे हैं। नजर प्रसाद अंबाला सदर द्वारा अपना सभी क्षेत्रों की गलियों, सड़कों, नालियों की जो सफाई करवाई जाती है और करवाई भी जा रही है, इसी कड़ी तहत पीछे जब ये कोविड के दौरान इस अब स्थिति जो थोड़ी कंट्रोल में आने के बाद जो विभिन्न डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स वगैरह, पब्लिक प्लेसेस की भी खास तौर पर इनकी सफाई चलवाई जा रही है और जो स्प्रे वगैरह भी किया जा रहा है और जो अपना बड़े बड़े जो नाले हैं उनकी भी जो अपना हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उनको भी प्रतिदिन अपना जैसे कि बरसाती मौसम का सीजन है आने वाला है तो उसी के तहत उन नालों को भी पूरी तरह से साफ करवाया जा रहा है। सरकार अपने प्रयास कर रही है लेकिन अधिकारी शांत बैठ के अपने घरों में या किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि अभी एक दिन की बरसात ने ही सारा का सारा बाजार में पानी ला के खड़ा कर दिया। अब कृपया करके सरकार से भी अनुरोध है और अधिकारियों से भी अनुरोध है कि पहले ही तैयारी करें, एक महीना पहले या अब तैयारी कर लें ताकि आगे मानसून सर पे है, ताकि अंबाला में फिर पानी सड़कों पे ना रुके। जो मैं देख रहा हूँ यहाँ गंदगी के ढेर बहुत ज्यादा इधर उधर लगे हुए हैं और जो हमारा अंबाला प्रशासन है वो इसके ऊपर अब जो है नालों की सफाई और ये मतलब कि जो सफाइयों पे ध्यान दे रहा है। अगर यही समय से पहले 2 या 2.5 महीने पहले नालों की सफाई कर दी जाती, क्योंकि नाले जो है पूरे गर्द से भरे हुए हैं और वो अब प्रशासन जागा है जो कि मतलब काफी समय मतलब और ऊपर से मानसून भी आ रहा है तो जो ये है नाले पूरे घास से भर जाएंगे और बरसात का पानी का जो निकासी है वो नहीं हो पाएगी।